खबर छतरपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर के निर्देशन में जिले के उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 के ग्राउंड में पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री वितरित की गई। बता दें कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत जिले में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए जिले में कुल 14,30,000 के करीब मतदाताओं के लिए पूरे जिले में 1549 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उनमें से करीब 159 पोलिंग पार्टी को रिजर्व में रखा गया है। इसके तहत ही जिले की सभी 6 विधानसभा के मतदान केंद्रों के लिए गुरुवार को मतदान दल रिजर्व बसों के माध्यम से रवाना किया गया। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों में अति उत्साह देखा जा रहा है। मेरी ड्यूटी सटाई में लगी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नो, इसके पहले मैं पहले पीठासीन अधिकारी बन चुकी हूँ, पीओ में लग चुकी है मेरी ड्यूटी, इसलिए मुझे पूरा अनुभव है। मुझे कोई डर नहीं है, ना कोई समस्याएं ये है, जैसे बस में जाना आना यही समस्या रहती है, बाकी कोई समस्या नहीं रहती, सब व्यवस्था हो जाती है उधर। मेरी ड्यूटी बिजावर विधानसभा में लगी हुई है, लोकसभा टीकमगढ़ के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और सामग्री बड़े आराम से हमें मिल गई है और थोड़ी ही देर में मेला ग्राउंड में हम लोगों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। वहां से हम लोग बिजावर अपने जहां जहां हमारा जिस बूथ में लगी हुई है वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। गत 18 वर्षों से शिक्षा विभाग में हूं और हर चुनाव को बराबर करा रहे हैं और चुनाव में कर्मचारी उत्साहित रहता, मैं भी उत्साहित हूँ और पूरे उत्साह के साथ हम लोग जा रहे हैं और लोकसभा निर्वाचन जो कि देश के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है निर्वाचन, उसमें हम सभी अपनी भूमिका निभाएंगे और शासन द्वारा प्रदत्त दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे।